लोकसभा की चुनाव को लेकर जिस तरह से सभी पार्टियां तैयारियां किए बैठी हैं, वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह को बनाया है। आज वो इटावा, चूंकि जो जसवंत नगर जो क्षेत्र है विधानसभा, यहाँ से होते हुए मैनपुरी पहुँचेंगे, चूंकि जसवंत नगर भी मैनपुरी लोकसभा में लगता है। आप देख सकते हो पीछे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सारे लोग पहुँचे हैं। यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं और बहुत सारी महिला नेत्री भी हैं। हम सबसे पहले अध्यक्ष जी जानते हैं जिस तरह से टिकट फाइनल हुई है ठाकुर जयवीर सिंह की, किस तरह से देखते हैं? वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि लेट किया है, कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई। नहीं, बीजेपी घबराई नहीं थी। राजनीति में ये चुनावी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचाए के रखी जाती हैं। तो समाजवादी पार्टी तो अपनों ही तय नहीं कर पा रही, दूसरे पे का ध्यान दे रही है। तो हमारी लगभग पहले ही से तय थी कि मैनपुरी लोकसभा माननीय जयवीर सिंह जी लड़ेंगे, जयवीर सिंह जीतेंगे। आप बताइए प्रशांत जी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है, सारे लोग आज अपने नेता, चूंकि आज प्रत्याशी पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां रखी गई? देखिए, हम सब लोग बहुत जोश और खरोश के साथ स्वागत कर रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी की गढ़ में आखिरी कील होगी। माननीय मंत्री जी भारी बहुमत से विजयी होंगे और अब की बार मैनपुरी से कमल का फूल खिला करके जनता इतिहास रचेगी। जिस तरह से आज लखनऊ एक्सप्रेस वे से आज वो सबसे पहले यहाँ उतर रहे हैं, ये ताखा क्षेत्र है, और यहाँ से फिर क्या प्रोग्राम पूरे मैनपुरी तक रखे जा रहे हैं? यहाँ ये हम चुक जसवंत नगर विधानसभा इटावा जनपद की मैनपुरी लोकसभा में आती है, तो इसलिए इटावा जनपद के सभी कार्यकर्ता जसवंत नगर विधानसभा के आज यहाँ उपस्थित हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, माननीय सदर विधायक जी हैं, सहित सारे पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और इसके बाद ये करहल कट से होते हुए आज मैनपुरी जनपद में मैनपुरी मुख्यालय तक उनका काफिला रहेगा। अच्छा, जिस तरह से मैनपुरी बाई इलेक्शन जो हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी से रघुराज सिंह शाक्य थे, हम शाक्य जी से भी जानते हैं क्योंकि आप पहले पिछली बार प्रत्याशी थे, आप बहुत जमीनी लेवल पर आपने चुनाव लड़ा था, अब किस तरह की और भारतीय जनता पार्टी तैयारियों के साथ लड़ने जा रही है, क्योंकि प्रत्याशी भी एक कैबिनेट मंत्री? बहुत बड़े प्रत्याशी हैं और वो जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं, मंत्री रहे, कई बार मंत्री रहे, और ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैंने कहा ना, ये मैनपुरी में तब नेताजी की सहानुभूति थी, इस समय मोदी पूरे देश पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता, पूरी मैनपुरी की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती ये चुनाव। लेकिन जिस तरह से पिछली बार 5 लाख वोटों से करीब जीत हुई थी, तो ये भरपाई कैसे हो? 5 लाख 3 लाख से जीत हुई थी। इस भरपाई को कैसे कवर किया जाए? ये भरपाई पहले नहीं देखा था, ये भरपाई जब रिजल्ट आएगा आपको तब सब सामने आ जाएगा। ये चुनाव एक तरफा चुनाव होगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा मैनपुरी में। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं, कहाँ से आई हैं आप? ताका से आई हैं। आज आपके जो मैनपुरी से प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं, तो किस तरह के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं? बढ़िया है, बढ़िया प्रोग्राम। हाँ। तो ये आपने देखा जिस तरह से महिलाओं में भी जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है, और उनके सारे बड़े नेता मतलब जिलाध्यक्ष और जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज ठाकुर जयवीर सिंह का अपनी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार आना हो रहा है और उसको लेकर पूरी तैयारियां और कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।